तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म, और जो गाय आपके सामने है ये गाय वर्ल्ड में गिरलैंडो के नाम से जाना जाता है। और गिरलैंडो सबसे पहले इंडिया के जो महाराजा थे उन्होंने ब्राज़ील के शासक जो थे इंडिया आए थे, तो उस समय उपहार स्वरूप गिर गाय इंडिया से दी गई थी, जो ब्राज़ील में जा कर के उन्होंने इसको तैयार किया है क्रॉस ब्रीड में गिरलैंडो। तो दोस्तों ये जो गिरलैंडो है काफ़ी हैवी मिल्किंग काऊ माना गया है, और दूध की गुणवत्ता भी क्रॉस ब्रीड काऊ जैसे HF और जर्सी के मुकाबले काफ़ी इसका बेहतर है। तो गिरलैंडो जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में है, और इंडिया में भी इसका सीमेन एक्सपोर्ट होता है और काफ़ी लोग यूज भी कर रहे हैं, सरकार भी काफ़ी काम कर रहा है। तो ये जो गिरलैंडो का जो मिल्किंग औसत है पर डे, तो दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसका मिल्किंग औसत है प्रति गाय 130 से 135 लीटर, तो बहुत ज़्यादा है। और इसके फीड मेंटेनेंस भी कम लगते हैं, और थोड़ा हाई प्रोफाइल गाय होने के वजह से इसका मैनेजमेंट देखभाल में काफ़ी सावधानियां बरतना रहता है। और ये 150 लीटर तक दूध दे चुकी है, और गिरलैंडो काफ़ी जो है भारत को भी प्रभावित कर रहा है, और भारत में भी क्रॉस ब्रीड HF और जर्सी के बजाय इस गाय को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जिसमें भारतीय गाय का अंश भी है और गुणवत्ता भी बेहतर है और मिल्क परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का जो प्रति गाय मिल्क का औसत है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और जिससे कि इंडिया का जो है इकोनॉमी भी काफ़ी सुधार आएगा, और लोग जो इसको बिजनेस के रूप में पालेंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो गिरलैंडो आप देख रहे थे, तो आपका वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग।